हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के बाद अगर रईस बनना, अमीर बनना है तो इस सेक्टर में जाएं, नहीं तो पूरे जीवन गाइस गरीब ही रह जाओगे। और ये वीडियो, पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि अगर अमीर होना है तो इस सेक्टर में आए। गाइस देखो, इंजीनियरिंग के बाद हर कोई चाहता है, एवरी सिंगल इंजीनियर ये चाहता है कि हम खूब पैसा कमाएं, हमारे पास एक आलीशान घर हो, हमारे पास आलीशान गाड़ी हो, हमारे पास बैंक बैलेंस हो। ये तीन नीड सारे इंजीनियर को होती है। लेकिन क्या सारे इंजीनियर की डिमांड ये पूरी हो सकती है? तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। और उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो अगर हम कंपेयर करें, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अर्न मनी, अ लॉट ऑफ मनी, तो वो सेक्टर कोई और नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्री है। आप ये समझ लो, जिस देश के राष्ट्रपति की सैलरी अगर 5 लाख रुपए है और जिस देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी अगर 1 लाख रुपए महीना प्लस पहुंचने में, एक ऑफिसर रैंक पे 1 लाख प्लस पहुंचने में बुढ़ा हो जाता है, वो उस देश में आप करोड़पति या अरबपति नहीं बन सकते हो। फैक्ट है, ये चीज़ आसान नहीं है, फैक्ट है। लेकिन आप प्राइवेट इंडस्ट्री में वो चीज़ 100 नहीं 200% पॉसिबल है। आप जाओ प्राइवेट इंडस्ट्री में, कुछ टाइम जॉब करो, कुछ टाइम चीज़ें सीखो, उसके बाद बिजनेस डाल दो। बिजनेस में देखो, करोड़ों लोग नहीं, कुछ गिने चुने लोग बिजनेस में बहुत सफल हुए, इतनी दूर तक सफल हुए हैं, जॉब की लाइफ में भी सफल हुए हैं। सुंदर पिचाई जी को ले लो, इतनी अच्छी 300 करोड़ की पैकेज है, 300 करोड़ रुपए बंदा कमा रहा है, उतनी बड़ी कंपनी का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो चला रहे हैं उनका टर्नओवर भी नहीं होगा जितनी उस बंदे की सैलरी है, ठीक है। लेकिन हाँ, जितनी इजिली मैंने ये बोल दिया उतना आसान है नहीं। जितना आसानी से मैंने ये बोल दिया कि प्राइवेट इंडस्ट्री में आओ और पैसा छापो, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, ना दिन देखना पड़ेगा ना रात देखना पड़ेगा, कितने सूरज निकलेंगे और कितने सूरज डूब जाएंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं लग पाएगा। मेरी लाइफ में भी मैं बता दूं कि बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी थी, बहुत परेशानियां, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में, कितने सूरज निकले और कितने डूब गए हमने देखा तक नहीं। मेहनत करना पड़ेगा आपको, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे इशूज होंगे जिनको आपको साइड लाइन करके आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, अपने काम पे लगना पड़ेगा, हर चीज़ को साइड लाइन करके आपको अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे। सरकारी नौकरी में बस आपका घर चल सकता है, आप अच्छे से दाल चावल रोटी सब्जी अच्छे से खाना खा सकते हो और आपका परिवार खा सकता है। लेकिन आप लग्जरी लाइफ अगर जीना है, अच्छे से ज़िंदगी जीना, अमीरों की लाइफ स्टाइल जीना है, प्राइवेट जेट में घूमना है, फ्लाइट में घूमना है, अच्छी जगह जाना है, वाइफ के साथ अच्छी जगह घूमना है, तो आपको आना पड़ेगा प्राइवेट इंडस्ट्री में। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ, मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मेहनत करोगे, हर चीज़ की एक उम्र होती है। 40 साल के बाद, आजकल ह्यूमन एज ही हो गई है कि 40 साल के बाद उतनी मेहनत नहीं हो पाती, उतना काम नहीं हो पाता है। तो अगर आप 25 साल, 26 साल, 27 साल की उम्र में जॉब पे लग जाते हो तो 15 साल इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो कि आने वाला जो टाइम है और आने वाली आपकी जो जनरेशन है वो सोचे ही मत कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को ये इशू है। कोई इशू ना हो, कोई भी इशू ना हो, आपके सारे इशू का एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाए, कोई भी आपकी लाइफ में तकलीफ ना रह जाए। तो गाइज, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और एग्जैक्ट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और फिर जाकर के आप अमीर बन पाओगे, ऐसे अमीर नहीं बन पाओगे। और पॉसिबल हो तो रिच डैड एंड पुअर डैड जैसी बुक भी आप जरूर पढ़े। एक मोटिवेटेड वीडियो था और होप गाइस आपको समझ में जरूर आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो लोग पहली बार चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।